एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को भारत की नागरिकता मिल गई है। 15 अगस्त के मौके पर अक्षय ने ट्विटर पर इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा, अब दिल और सिटीजनशिप दोनों हिंदुस्तानी हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद। गौरतलब है कि अक्षय कुमार के पास अभी तक कनाडा की नागरिकता थी, इसके चलते लोग उन्हें अक्सर कैनेडियन कुमार कहकर ट्रोल भी करते थे। अक्षय कुमार को साल 2011 में कनाडाई संघीय चुनाव के बाद वहां की कंजर्वेटिव सरकार ने कनाडा की नागरिकता दी थी। अक्षय ने दिसंबर 2019 में भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, तब उन्होंने कहा था कि वो अपनी कनाडाई नागरिकता छोड़ने वाले हैं। अक्षय कुमार की जब भारत में बैक टू बैक फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तब उन्होंने दोस्तों की सलाह पर कनाडा में बसने का फैसला किया था। उन्होंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था और उन्हें वहाँ की नागरिकता मिल गई। एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया था कि मैंने सोचा मेरी फिल्में चल नहीं रही और मुझे काम करते रहना है। मैं कनाडा काम करने के लिए गया था, वहाँ दोस्त ने मुझे बसने की सलाह दी और इस दौरान मैंने कनाडा की नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया था। उस वक्त मेरी सिर्फ दो ही फिल्में रिलीज होने के लिए बची थी। खुशकिस्मती से ये दोनों ही सुपर हिट हो गई। इसके बाद से मैं नहीं रुका, काम करता चला गया। इस दौरान मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे ये पासपोर्ट बदलवा लेना चाहिए। कई इंटरव्यू में अक्षय ने कनाडा के सिटीजनशिप को लेकर हुई ट्रोलिंग पर रिएक्शन भी दिया था। अक्षय ने कहा था, भारत मेरे लिए सब कुछ है, मैंने जो भी कमाया है यही रहकर कमाया। खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे इसी देश को सब कुछ लौटाने का मौका भी मिला है। मुझे बुरा लगता है जब लोग मेरी नागरिकता पर सवाल करते हैं। कई लोग मुझे कैनेडियन कुमार भी बुलाते हैं, जो मुझे चुभता है। अगर आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हो, आपको बातें नहीं बनानी चाहिए। अक्षय ने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में भी इस बारे में बात की थी। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।